भगवान की देन वाला गधा। बहुत समय पहले एक जंगल में डोकी नाम का एक गधा रहा करता था। वह बिल्कुल भी साधारण गधा नहीं था। वह चीते जैसा तेज भागता था और भारी से भारी सामान भी अपनी पीठ पर उठा लिया करता था। सभी उसे भगवान की देन मानते थे, लेकिन डोकी में एक कमी थी और वो थी कि वो बहुत ही बेसुरा गाना गाता था। वह जब भी चिल्लाता या कुछ कहता तब भी लोग अपने काम बंद कर देते थे। एक दिन डोकी को उसका मालिक काम से शहर लेकर गया। वहाँ उसे एक गधी दिखाई पड़ी। अरे वाह, इतनी सुंदर गधी! अरे वाह, इतनी सुंदर गधी तो मैंने आज तक नहीं देखी। डोकी को उस गधी से प्यार हो गया और जल्द ही उससे शादी करने के लिए सोचने लगा। लेकिन गधी की एक शर्त थी। तुम इतने बलवान हो, इतने तेज हो, लेकिन तुम जंगल के राजा नहीं हो। मैं तो तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम जंगल के राजा बन जाओगे। डोकी चिंतित हो गया, लेकिन वह गधी को बहुत चाहता था। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वह राजा शेर के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस जंगल का राजा बनाएं। मैं ताकतवर हूँ और तेज भी हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मेरी शादी तभी होगी जब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। कृपया मुझे राजा बना दीजिए। राजा डोकी की बात सुन घुर्राने लगता है और गुस्से में आकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें राजा बनाऊं? निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें? खा जाऊंगा, कच्चा चबा डालूंगा। भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजा बहुत गुस्से में था। उसे डोकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डोकी वहाँ से चला तो गया, लेकिन रात को राजा की गुफा में वापस लौट आया और एक योजना के साथ आया। अपनी बेसुरी आवाज में उसने गाना गाना शुरू कर दिया और राजा डोकी की बेसुरी आवाज सुन बहुत ज्यादा परेशान होकर चिल्लाने लगा, अरे चुप हो जाओ! अरे डोकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गाना बंद करते हो कि नहीं? चिल्लाना बंद करो। डोकी गाना गाता जा रहा था, चिल्लाता जा रहा था और उसकी आवाज से राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं तो तभी चुप हो जाऊंगा जब आप मुझे राजा बना देंगे हुजूर। डोकी की ये बात सुनकर राजा मजबूरी में डोकी को राजा बना देता है। और डोकी तो ऐसा ही चाहता था। राजा ने परेशान होकर डोकी को जंगल का राजा बना दिया और जल्दी ही डोकी की गधी से शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। ईमानदार गाय और बिल्ली की कहानी। ये बहुत दिन पहले की बात थी। शीतलपुर नाम के एक गांव में शिवा करके एक गवाला था। उसके पास बहुत सारे गाय थे। उसमें एक अच्छी ईमानदार गाय थी जिसका नाम रूपा थी। रूपा सुबह और शाम मिलाकर 20 लीटर दूध देती थी। शिवा हर रोज उसी दूध को घर घर जाकर गांव में बेचता था। कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा एक बछड़े को जन्म देती है। तभी शिवा ने बोला, कितना प्यारा बछड़ा है रूपा, इसके बाद सारा दूध तुम्हारे बछड़े को ही मत दे देना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना। जरूर मालिक, मानता हूँ कि वो मेरा बछड़ा है, लेकिन ये तो तुम्हारी और मेरे जीने का सवाल है। एक दिन शिवा ने दूध निकालकर एक जगह रखा और बाद में आकर बेचने के लिए जाने वाला था। जब शिवा वापस आया, एक हंडी में दूध कम था। वह हैरान हो गया और इधर उधर देखा। वहां पर तो रूपा और उसके बछड़े के सिवा कोई भी नहीं था। जब भी शिवा दूध निकाल कर रखता था, आधा दूध गायब हो जाती थी। तभी शिवा ने ऐसा सोचा, जब से ये रूपा बछड़े को जन्म दिया है तब से दूध आधा तो गायब हो रहा है। कहीं ये दूध बछड़ा तो नहीं पी रही है? इसकी वजह से मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसा सोचकर शिवा बछड़े को रूपा से दूर और दूध से दूर बांधकर रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से रूपा बहुत उदास रहने लगी।
कुछ दिन गुजरने के बाद रूपा ने शिवा से ऐसा बोली, मालिक आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, क्या मैं उसका कारण जान सकती हूँ? अरे रूपा, तुम्हारी बछड़ा सारा दूध पी रहा है और मुझे बेचने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। मेरा आमदनी भी कम हो गया है, इसीलिए मैं तुमको और उसको अलग रख रहा हूँ। लेकिन मालिक, मेरा बछड़ा तो ज्यादा दूध नहीं पी रहा है, आपको देखना है तो देख लीजिए। रूपा की दर्द भरी बातें सुनकर शिवा को एक आइडिया आता है। अगले दिन जहाँ वह दूध रखता है वहाँ पर एक सीसीटीवी का आयोजन करने के लिए सोचता है। अगले ही दिन एक सीसी कैमरा लगवाता है। उसी दिन वह दूध निकालकर कैमरे के सामने रखता है। जब थोड़े देर के बाद आया तो देखा कि दूध कम हो गया। तुरंत वह जाकर सीसीटीवी में देखता है। ओहो, तो ये बात है, मेरा दूध कुछ बिल्लियां आकर पी के जा रहे हैं। मैं अनजाने में रूपा के बछड़े को दोषी माना है, इस बिल्लियों को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तब से शिवा ने रूपा और उसके बछड़े को एक ही साथ बांधने लगा और बिल्लियों को सबक सिखाने के लिए एक बड़े कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। तब से रूपा और बछड़ा भी खुश और शिवा का दूध का व्यापार भी खूब चलने लगा। अंधा गिद्ध। एक जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर कई पक्षी जैसे तोता, मैना, कोयल, गोरैया आदि घोंसला बनाकर रहा करते थे। वो सभी पक्षी आपस में बहुत प्यार से रहते थे और हमेशा एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। एक दिन जोर का तूफान आता है और एक गिद्ध उड़ता हुआ उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तूफान थम जाने के बाद सभी पक्षी उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तोता कहता है, अरे ओ गिद्ध महाराज, तूफान थम गया है, अब आप यहाँ से चले जाएं। अरे भाई, मैं बूढ़ा, आप कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जाइए, लेकिन हम आपके कारण सबको खतरे में नहीं डाल सकते। मैं किसी के लिए कैसे खतरा हो सकता हूँ, मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। मुझे यहीं रहने दीजिए, जो आप लोग दोगे मैं खा लूंगा। सभी पक्षी आपस में विचार करके अंधे गिद्ध को अपने पेड़ पर रहने की इजाजत दे देते हैं। जब सभी पक्षी दाना लेने के लिए जाते हैं, अंधा गिद्ध सबके घरों की रखवाली किया करता है और बदले में पक्षी उसे खाना लाकर देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन दूसरे जंगल में रहने वाली एक चालाक बिल्ली वहाँ आई और उसने छुप छुप कर गिद्ध और पक्षियों के तालमेल को बहुत गौर से देखा और मन में सोचा, अरे वाह, अगर मैं इस अंधे गिद्ध को काबू में कर लूं तो दावा तोड़ा सकती हूँ। बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और घोंसले के पास पहुँची। गिद्ध ने आवाज सुनी और कहा, कौन है वहाँ? रुक जाओ, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बिल्ली ने नाटक किया और कहा, अरे अरे गिद्ध महाराज, मैं दूसरे जंगल में तपस्या कर रही थी, वहाँ से भगवान ने मुझे इस पेड़ पर आपकी मदद के लिए भेजा है, ताकि मैं आपके साथ मिलकर पक्षियों की रक्षा कर सकूं और अपने पापों को धो सकूं। गिद्ध चालाक बिल्ली की बातों में आ गया और उसने उसे पेड़ पर रहने के लिए कोटर में जगह दे दी। लेकिन अगले ही दिन बिल्ली ने पक्षियों के घोंसले पर हमला कर दिया। उसने उनके अंडे और बच्चों को चुराकर खा लिया और उनकी हड्डियां उठाकर गिद्ध के कोटर में डाल दी। पेट भर खाने के बाद उसने गिद्ध से कहा, हे महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जरा गंगा स्नान कर कर आती हूँ। ठीक है बिल्ली, तुम जाओ। गिद्ध ने बिल्ली की करतूत को नहीं समझा और वो इस बात से अनजान था। शाम को जब पक्षी वापस पेड़ पर आए तो अपने घोंसलों में बच्चों और अंडों को ना देखकर परेशान हो गए। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे अंडे, यह जरूर इस गिद्ध का काम होगा। सभी गिद्ध के पास गए और वहाँ पर पड़ी हुई हड्डियों को देखा। तोते ने कहा, दोस्तों ये देखो, ये गिद्ध की करतूत है, मारो इसे, मारो। और सभी पक्षियों ने उस गिद्ध को मार मार कर पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दिया और दूर खड़ी बिल्ली यह सब देखकर मुस्कुराती रही। अरे वाह, यह गिद्ध भी मरने ही वाला है, मेरा एक और दावत का इंतजाम हो गया। कमल एक कसाई था, उसके पास बहुत सारे बकरियां थे।
वह खुद ही अपना बकरियां पालकर उन्हें अपने ही दुकान में काटकर बेचता था। ऐसा ही कुछ दिन के बाद उसने एक छोटी बकरी को खरीदा। वह थोड़ा मोटा था, इसीलिए उसका नाम भी रखा गजोधर। नाम के हिसाब से ही गजोधर बहुत खाता था, जितना भी दाना डालो एक ही पल में खत्म कर देता था। एक दिन जब कमल दाना डाला, अरे ओ मोटू गजोधर, कितना खाएगा तू? सिर्फ 6 महीना रुको, मैं तुम्हें काट के नहीं बेचूंगा तो मेरा नाम बदल डालूंगा। ऐसा ही रोज कमल उसको डांटता था। और एक दिन गजोधर बुरा मान गया। जब कमल कुछ काम कर रहा था, तभी गजोधर ने पीछे से कमल को अपने सींग से बहुत जोर से धक्का मारा। कमल हवा में उड़ते हुए आगे जाकर गिरा। क्यों रे नालायक बकरी, जो खाना दे रहा है तुम्हें उसी को मारा है? देखो अभी मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ऐसा बोलकर उसने उस बकरी को अपने घर के सामने एक पेड़ से बांध देता है। उसी गांव का रहने वाला एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन जब भी देखो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। एक दिन जब वह अपने घर में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हुरे, मुझे अभी एक विशाल जाइंट आदमी बनने का वक्त आ गया है। उसके लिए दवाई बना ली है मैंने, लेकिन पहले मैं ये दवाई किसी जानवर पे प्रयोग करना है। ऐसा सोचकर वह मार्केट में आता है, तो वहां पर गजोधर को एक पेड़ के यहाँ देखता है और कमल के पास जाकर उसे खरीदने के लिए पूछता है। अरे न्यूटन भाई, मैं भी इस पल का ही इंतजार कर रहा हूँ कि कौन आकर इसको लेके जाएगा। मैं दे दूंगा तुमको। अच्छा, कितना चाहिए तुम्हें? अरे जितना भी दो काफी है, बस इसे तुम लेके जाओ। ऐसा बोलते ही न्यूटन कमल को कुछ पैसे देकर वहां से गजोधर को लेके चला जाता है। घर जाकर गजोधर को उस दवाई की एक इंजेक्शन लगा देता है, फिर उसे लेकर बाहर छोड़ देता है। देखते ही देखते गजोधर एक जायंट विशाल बकरी के रूप ले लेता है। तभी वो बोलने भी लगता है, देखो अब मैं तुम लोगों का क्या हाल कर देता हूँ। तुम इंसान हमें ही पालकर फिर काट के खा जाते हो। हम बकरियों को उल्लू बना रहे हो ना? ऐसा बोलकर गजोधर सारा मार्केट में दुकानों को और घरों को तोड़ने लगता है। जो भी उसके बीच में आता है तो उसको भी अपने सींग से उठाकर फेंक देता था। फिर सारे गांव के लोग न्यूटन को कुछ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है। फिर पुलिस उस जेंट बकरी को एक बड़े ट्रक के पीछे चढ़ाकर बांध देते हैं। क्यों रे न्यूटन, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट किए बिना नहीं रह सकते क्या? अभी कुछ करो उस विशाल जेंट बकरी का। तुरंत न्यूटन ने और एक इंजेक्शन तैयार करके उस गजोधर के पांव को लगा देता है। तभी गजोधर फिर से छोटा हो जाता है। गांव में हल्ला मचाने के इल्जाम में पुलिस न्यूटन और गजोधर को दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं।